असल ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हमारी सातवीं क्लास है और सबसे जरूरी और अहम क्लास मैं शुमार करूंगा। अगर आप लोगों को बॉटम सपोर्ट और हायर रेजिस्टेंस और इसके दरमियान जो चीज स्विंग्स बनती हैं, हायर की स्विंग्स बनती हैं या लोअर की स्विंग्स बनती हैं, उसके बाद मार्केट जो ट्रेंड फॉलो करती है उसको आप लोगों ने अगर अच्छे से समझना है और अपने सिग्नल्स बनाकर मार्केट में या ग्रुप्स में जाकर शेयर करना चाहते हैं तो उससे भी पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वाला टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। आप लोग पीछे देख रहे होंगे ये वाला इसका पॉइंट हाई है और इसका ये वाला पॉइंट लो है, लेकिन अगर आप लोग इन चीज़ों को समझ जाएंगे कि मार्केट यहाँ पे ही आके मार्केट डाउन क्यों हुई और यहाँ पे ही मार्केट आने के बाद दोबारा ऊपर क्यों गई, ये चीज़ें आप लोगों को जब तक समझ में नहीं आएंगी आप लोग क्रिप्टो ट्रेडर नहीं बन सकते। असल में जो से बिगिनर्स होते हैं वो यहाँ पर ही अपनी जितना भी उनका पोर्टफोलियो होता है, जितने भी उनके अकाउंट में वो फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए पोर्टफोलियो में जमा करते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, वो यहाँ पर ही लॉस करवा देते हैं क्योंकि आप लोगों ने जोर से स्टॉप लॉसेस रख रहे होते हैं। आप लोगों को उस चीज की ही समझ नहीं आ रही होती है। इस चीज में आप लोगों के काफी सारे जोर से टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जो भी कंफ्यूजन है आप लोगों के क्लियर हो जाएगी। सबसे बड़ा जोर से मसला आता है कि जोर से भी अगर आप लोगों को यहां पे ट्रेड लेनी है तो यहां पे आप लोग स्टॉप लॉस कैसे सेट करेंगे, ये चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं कि जोर से आज का हमारा टॉपिक है वो है हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, ये क्या चीजें हैं इसको पहले डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को चीज चेक कर लो तो ये वाला जोर सा पॉइंट है यहां तक अभी तक मार्केट आने के बाद ये है हमारा हायर हाई। अब मार्केट यहां से डाउन आई और उसके बाद जोर सा ये वाला इससे भी इससे पीछे वाली मार्केट को आप लोगों ने भूल जाना है। अब मार्केट का ट्रेंड यहां से शुरू हुआ, मार्केट यहां पे आई है तो ये वाला हमारा क्या हो गया, लोअर लो, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे स्विंग ली ऊपर गया तो अब यहाँ पे इस पॉइंट को आप लोग क्या बोलेंगे, ये चीज़ें समझने के लिए आप लोगों को ये वाला टॉपिक मैं कवर करवा रहा हूँ। देखिए अगर आप लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप लोग अपने सिग्नल दे सकते हैं। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो यहाँ पे ये लोअर है, लोअर लो है, हायर हाई का लोअर लो बना, ठीक है। इसने जोर से ये पीछे वाली जितनी भी स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस स्पोर्ट बन रही थी उसको इसने मतलब कि ब्रेक करके नीचे आया, ठीक है। उसके बाद ये वाला लोअर लो बना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये हाई का लो बन रहा है लेकिन पीछे वाली मार्केट को मैंने स्किप किया, इस वजह से मैं आप लोगों को यहां से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों ने यहां पे समझना है कि ये हायर हाई है और हायर लो। अब मार्केट यहां पे गई है, अब लो का ये बन गया आप लोगों का लो का हाई, मतलब कि लो का हाई बनाया। यही चीज़ें आप लोगों ने एनालिसिस करनी है कि अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई इसके बाद जो सा ये वाला जो सा पॉइंट बना है ये हमारा बना है हाई का लो, यानी कि ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है। अब एक चीज़ आप लोगों ने गौर से समझनी है, अब जो सा ये वाला पॉइंट है ये वाला, अब इस चीज को इसने ब्रेक किया है, ठीक है। अब ये वाला अगर आप लोग कहेंगे कि ये हाई लो है तो इसका ये वाला पॉइंट क्या होगा, इस वाले पॉइंट से ये इसने ब्रेक किया, इससे ऊपर गया तो ये इसका क्या काउंट होएगा, हायर हाई, ठीक है। अब इसके नीचे आए तो ये हाई का लो बनेगा, ठीक है, ये हाई का लो बनेगा। इसी तरह आप लोग इसने भी हाई किया तो ये इसका इस वाले पॉइंट को ब्रेक करके ये वाला पॉइंट ऊपर गया तो ये इसका क्या होगा, हायर हाई बनेगा। अब इस वाले पॉइंट को भी इसने क्या किया है, ये चेक करें, ये वाले पॉइंट को भी क्या किया इसने, ये इसका हायर हाई है। अब देखें, अब आप लोगों की जो से समझने वाली चीज़ है, जब तक आप लोग इन चीज़ों को कंफर्म नहीं करेंगे आप लोग ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ, जो से मेन पॉइंट होते हैं ये वाली चीज़ें सीखने के, कि आप लोगों के जो से भी ट्रेड लेने जा रहे हैं उसमें स्टॉप लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब इसमें हर एक पॉइंट के नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है। अब देखें ये वाली हमारी सपोर्ट है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट आई ये वाली, अब ये वाली हमारी स्पोर्ट बन गई, उसके बाद हम यहाँ पे मार्केट यहाँ पे डाउन आई, उसके बाद हमारी ये वाली स्पोर्ट बन गई। चीज़ें यहाँ पे समझने वाली है, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे आई, अभी तक यहाँ पे इसका ये वाला जो सा पॉइंट है ये वाली हमारी स्पोर्ट है, ठीक है, ये वाली स्पोर्ट है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगी, या आप लोगों की ट्रेड, मैंने हमेशा एक चीज़ आप लोगों को कन्फर्म की है कि जब भी आप लोगों ने डाउन की ट्रेड लेनी है या आपकी ट्रेड लेनी है आप लोगों ने फर्स्ट तीन कैंडल्स बनने का वेट करना है। जैसे कि एक दो तीन कैंडल्स बनी है, मैं इसी बेस पर ट्रेडिंग करता हूं, मुझे कन्फर्म हो जाता है कि अब तीन जो सी कैंडल स्पोर्ट से ऊपर बन चुकी हुई है तो मार्केट अब मार्केट का जो सा ट्रेंड होगा वो आपका होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से आप लोगों ने इसका टीपी मसल के टीपी रख के यहाँ तक इसका कम अज़ कम इस वाली स्पोर्ट तक
इस वाले स्पोर्ट तक भी अगर आप लोग अपना टीपी रखें यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अपना टीपी रखेंगे स्पोर्ट लॉस जो सा स्टॉप लॉस होगा वो क्या होगा कि जो सी ये वाली पहले वाली स्पोर्ट है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो सी स्पोर्ट है इसके नीचे आप लोग थोड़ा सा माइनर सा नीचे रख रहे यहाँ पे, ये होगा आपका स्टॉप लॉस, ठीक है, ये वाला होगा आपका स्टॉप लॉस। अब यहाँ तक आपका आएगा टीपी, ठीक है, यहाँ पर टेक प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे आपकी मार्केट है, यहाँ पे मार्केट है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया और यहाँ पे जस्ट इतना सा पॉइंट है, इतना सा। आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है कि जब भी आप लोगों ने ट्रेड लेनी है स्टॉप लॉस आपका 1% हो और टीपी आपका 3 गुना हो, 1% के मुताबिक आप लोगों का 3 गुना ज़्यादा टीपी होना चाहिए, फिर ही आप लोगों को प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसी तरह मार्केट जब तक ये वाली स्पोर्ट को ब्रेक करके नीचे नहीं आएगी मार्केट का ट्रेंड आपका ही होगा, ठीक है। अगर इसको बीच में यहाँ तक मार्केट कंसोलिडेट करते थे आप लोगों ने यहाँ पे धक्का मुक्का नहीं करना कि भाई यहाँ पे मेरी ट्रेड लाजमी बनती है, ट्रेड नहीं बन रही होगी, आप लोगों ने वहाँ पर कभी भी कोशिश नहीं करनी है कि ट्रेड लेनी है। मेन पॉइंट पर आ जाते हैं, दोबारा मैं आप लोगों को दोबारा समझाता हूँ, हायर हाई लोअर लो, ठीक है, या इसको आप लोग ये भी कह सकते हैं जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन होगी कि ये हाई का लो बनता है, ठीक है। अभी यहाँ पे लो का हाई बना ये वाला, ठीक है, उसके बाद ये वाली मार्केट डाउन आई, अब ये वाला हाई था, हाई का क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट लो बनेगा। यहाँ पे आप लोगों ने कोशिश करनी है कि प्रैक्टिस करने के दौरान आप लोगों ने स्पोर्ट लाजमी लगानी है। अब यहाँ पे देखिए ये वाली मार्केट यहाँ पे दूसरी स्पोर्ट यहाँ पे बनी लेकिन मार्केट ऊपर गई, इस वाली स्पोर्ट को उसने रेजिस्ट नीचे की तरफ नहीं किया, तो ये हमारी स्पोर्ट है। अब जो सी यहाँ पे आप लोग नीचे ये वाली लाइनें ड्रॉ करेंगे, ये आप लोगों की स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगी, इसमें आप लोगों को ये कन्फर्म हो जाएगा कि आप लोगों ने जो सा स्टॉप लॉस रखना है और टीपी रखना है उसके बेस पर आप लोग पक्के ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ें अब आप लोगों ने डाउन पे आना है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का स्टॉप लॉस आ गया, फिर आप लोगों का यहाँ पे नया हायर हाई बन गया, फिर इसको इसने इस वाली जो सी स्पोर्ट थी इसको ब्रेक किया तो ये वाला आपका हो गया हायर हाई। अब जैसे मार्केट इस वाली स्पोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, यूं ब्रेक करके रेजिस्ट करके नीचे आएगी, तो अगर इसने ये वाली स्पोर्ट भी ब्रेक कर दी, ये वाली ब्रेक कर दी, ये वाली ब्रेक कर दी, तो इसका ये हाई का लो होगा। जब तक ये वाली जोन सी ये वाली आपकी लाइन जा रही है ये वाली जब तक इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आएगी ये वाली लाइन, मिसाल के तौर पर यहाँ पे नीचे आती है तो ये आप लोगों का कौन सा पॉइंट होगा मुझे आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मैं आप लोगों को भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग पिक कर रहे हैं बात के नहीं पिक कर रहे हैं। मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि अगर इस वाली स्पोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे आएगी तो ये वाला हायर लो होगा या लोअर लो होगा, इस पे आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और कोशिश किया करें जितनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, ग्रो करें, इसको सब्सक्राइब करें और लाजमी वीडियो शेयर करें ताकि ये चैनल ग्रो हो। अभी आप लोगों को इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। हो सकता है कि अगर कुछ लोगों के जो से बिगनर्स होते हैं उनको समझ नहीं आ रही होगी, अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें आप लोगों की थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है कि कुछ चीज़ों की समझ नहीं आई है, जब भी आप लोगों ने नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनानी है, जब भी रेजिस्टेंस को मार्केट क्रॉस करेगी, और यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके, तो यहाँ पे हमारा हायर हाई बनेगा। अब आप लोगों ने कोशिश ये वाली करनी है, इसके साथ आप लोगों ने RSI को लाजमी ओपन करना है भले आप ट्रेड लें या ना लें। जब भी मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगी, यहाँ पे अभी जोन से ऊपर आई है, यहाँ पे मार्केट नीचे है, RSI जोन सा ये वाला जोन है ना 70 और 80 का, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी और यहाँ पे क्रॉस करके मार्केट नया हायर हाई बनाएगी, यहाँ पे मार्केट 70-80 के जोन में होगी, तो मार्केट जो भी ट्रेड आप नीचे की लेंगे वो आप लोगों की, बल्कि छोटी ट्रेड हो या छोटे टाइम फ्रेम पे हो, वो आप लोगों की 110% आप लोगों को प्रॉफिट देकर जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने हायर हाई को चेक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने मार्केट को चेक करना है 70 और 80 के जोन को। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे चेक करें, मार्केट यहाँ पे आई है, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट है 20 और 30 के जोन में, इन चीज़ों को आप लोगों ने लाजमी चेक करना है। ये हमारी एनालिसिस है, इसी के बेस पे हमने काफ़ी ट्रेडें ली हैं और सक्सेसफुल हमने वहाँ से अर्निंग की है। जब भी मार्केट नीचे आए
और RSI में आने के बाद 30 और 20 के जोन में आए। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे मार्केट आएगी तो नीचे जब जाएगी 100% प्रॉफिट देकर जाएगी, जब भी 20 और 30 के जोन में आएगी, जब भी फिर यहाँ से मार्केट उठकर ऊपर की तरफ जाएगी तो भाई आप लोगों को लाजमी प्रॉफिट देकर जाएगी। ये वाले पॉइंट्स हैं, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ, हायर हाई हायर लो ये वाली मार्केट ये चेक करें, जब तक इसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर नहीं जाएगी ठीक है, तब तक आप लोगों का ये वाला पॉइंट हायर हाई नहीं बनेगा। यहाँ पे ये वाला हायर हाई पॉइंट था, यहाँ पे ये वाला हायर हाई पॉइंट है। अब इसकी जो सी लाइन है वो है ये वाली ठीक है, अब इसको इसने ब्रेक किया यहाँ ये वाली मार्केट ने, तो अब ये वाला नया पॉइंट मार्केट में आ गया हायर हाई का। अब इसको मार्केट जब यहाँ पे सारी ये वाली स्पॉट को भी क्रॉस करते हुए, ये वाली स्पॉट को क्रॉस करते हुए यहाँ पे जब आएगी तो ये वाली आप लोगों की कहलाएगी लोअर लो। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस लाजमी करनी है, प्रैक्टिस बिना आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते, खासकर मार्केट में आने के बाद। यहां पे आपकी जान और आपका पैसा दोनों आप लोगों को जाया हो जाएगा अगर आप लोग परेशानी लेंगे, और परेशानी लेने के बाद जब आप लोग मुकम्मल मार्केट में सीख कर नहीं आएंगे आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसी के साथ अपना मारूफ को इजाजत दें, और सबसे पहले कोशिश करें कि इसी चैनल अपना मारूफ को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।